नेक्स्ट, चलो, ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। चलो, एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चार्ज पार्टिकल है, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में मूव कर रहा है प्यारे बच्चों। और खास ये बात है कि मूविंग इन रीजन विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। अब ऐसा कैसे हो सकता है यार कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो और वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का कॉन्स्टेंट हो? ठीक है, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट तभी हो सकती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जब नेट फोर्स जीरो है, मतलब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है वो भी जीरो है और जितना मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है वो भी जीरो है, या इन दोनों का रिजल्टेंट जीरो है। ऑब्वियसली अगर चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगेगा ही लगेगा यार, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल पे लग भी सकता नहीं भी लग सकता है, वो डिपेंड करता है उसकी वेलोसिटी पे। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो मैग्नेटिक फील्ड को भी लगना पड़ेगा उसके अपोजिट, तब जाके वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होगी। तो इसका हमें डायरेक्ट रिजल्ट याद है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो उस वेलोसिटी की वैल्यू E by B होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ दिया हुआ है कितना है 20 और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दिया हुआ है 0.5, और 0.5 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये पॉइंट नीचे ख़त्म हो जाएगा और ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो मतलब 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो रहा हमें रिजल्ट। अगर मान लो किसी को रिजल्ट ये याद नहीं है, ये फार्मूला याद नहीं है, मतलब ये 40 वाला ऑप्शन सही है, तो ये क्या करेगा, तो वो ऐसे करेगा। ठीक है, सेकंड अप्रोच, मतलब अप्रोच यही है, बट वो फार्मूला डिराइव कर लो। अगर ये वी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन चल रहा है और मैग्नेटिक फील्ड में बोर्ड के अंदर लगा दिया, मैग्नेटिक फील्ड में बोर्ड के अंदर लगा दिया, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है बोर्ड के अंदर है, तो इलेक्ट्रॉन पे, ये इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देना ये इलेक्ट्रॉन है, इस पर फोर्स देखो, फोर्स कैसे देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स, क्यू वी क्रॉस बी। तो वी क्रॉस बी अगर मैं अप्लाई कर दूं प्यारे बच्चों इस चार्ज वाले पार्टिकल पे, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव होता है, तो वी अंदर है, बी बी अंदर है, वी इधर है, तो वी क्रॉस बी फोर्स ऊपर गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन के केस में बदल जाता है, तो फोर्स जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इस केस में मैग्नेटिक फोर्स नीचे आ जाएगा और इसकी वैल्यू होगी, इस मैग्नेटिक फोर्स की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी क्यू वी बी साइन 90। मतलब यह जाएगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फोर्स, ये मैग्नेटिक फोर्स है और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चला, ये कभी भी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, तो इलेक्ट्रिक फोर्स को किधर आना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स को इधर आना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर आना पड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होगी, ठीक है, तभी तो इलेक्ट्रॉन पे ऊपर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिकल, समझ में आ रहा है ना, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू ही होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा वो ऊपर आएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होगा, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर होगा, तब जाके इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस किया होगा और नेट फोर्स जीरो हुआ होगा, तब जाके कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। तो ये इन दोनों इक्वेशन को मैं मैग्नीट्यूड में बैलेंस कर दूं तो ई बी बी मस्ट बी इक्वल टू ई कैपिटल ई, तब जाके नेट फोर्स जीरो है, उस चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो तभी होगा जब ये दोनों एक दूसरे से बैलेंस करेंगे, वेलोसिटी वी की वैल्यू ई बाई बी आ जाएगी, ई की वैल्यू आपका 20 है, बी की वैल्यू 0.5 है, दिया जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दैट इज बी ऑप्शन सही है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको रिजल्ट याद है तो आप डायरेक्ट ये लगा के सॉल्व कर सकते हो एक लाइन में।